बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7। हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री, ये वर्ड निकला है तीन से, यानी ट्राई ये अलग से, गोनो अलग से और मैट्री अलग से। इन तीन वर्ड्स को मिला है तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री बनता है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, जिसे आप तीन कहते हैं। गोन का मतलब होता है एंगल्स और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इट मीन्स आप डेफिनेशन ये कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कि इसमें हम तीन एंगल्स वाली हमारे पास जो शेप्स होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप माइंड में जैसे ही बात करेंगे हम तीन एंगल्स वाली, तो आपके जहन में आएगा ट्राइंगल का। ट्राइंगल तीन एंगल्स वाली होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो काम किया, जो स्टार्ट किया था, वो इजिप्शियन ने किया था। यानी अभी तक हमारे पास अगर हम मैथ की स्टडी करें तो तीन तरह की सिविलाइजेशन हैं जिन्होंने ज़्यादा काम किया है मैथ्स के ऊपर। सबसे पहले इजिप्शियन यानी जो मिस्री थे लोग, उन्होंने किया था। उसके बाद बेबीलोन हमारे पास सेकेंड आती है। थर्ड भी आती है ग्रीक, जिनका मोस्टली जिक्र पढ़ते हैं आप बुक्स के अंदर। यानी आप ये कह लें कि मैथमेटिक्स को जो डायरेक्शन दी साइंटिस्ट को या डिफरेंट मैथमेटिशियंस को कि मैथमेटिक्स है क्या, किस तरह इसको स्टडी करना है, ये भी कोई साइंस की ब्रांच है, वो इजिप्शियन ने दी थी, ठीक है। उन्हीं के नॉलेज को, उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स को लेके आगे काम जो ज़्यादा किया है वो ग्रीक्स ने किया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री भी ज़्यादा उसने किया है। पाइथागोरस जो आप पढ़ते हैं, पाइथागोरस, उसको एक तरह से बानी भी माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा काम किया है इसके ऊपर। उसने जो पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट किया था, उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री होगी हमारे पास, ये थ्री एंगल्स की मेजरमेंट है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए यहाँ पर, वो होना चाहिए एंगल का, कि एंगल क्या होता है। हमारे पास एंगल जो होता है, कोई भी दो नॉन कोलिनियर रेज जो होती हैं उनके मिलने से बनता है। नॉन कोलिनियर जो आपस में कट ऑफ ना हो, बल्कि दो मिलेंगे, इस तरह होगी हमारे पास, ठीक है। ये दो रेज के जो मिलने से हमारे पास कोई चीज़ वजूद में आती है, उसे हम कहते हैं एंगल, जाविया कहते हैं उसे हम, ठीक है। एक इसमें हमारे पास टर्मिनल साइड होती है, ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, एक टर्मिनल साइड होती है और एक इनिशियल साइड होती है, ठीक है। और जहाँ पर ये मिलता है, ये पॉइंट दोनों रेज मिलती हैं, उसको हम वर्टेक्स का नाम देते हैं। ये वाला वर्टेक्स का पॉइंट है जहाँ पे दोनों रेज मिलती हैं। यानी एंगल्स क्या होता है, हमारे पास कोई भी दो नॉन कोलिनियर रेज के मिलने से बनता है, उसे हम एंगल कहते हैं। उसकी एक टर्मिनल साइड होती है और एक हमारे पास इनिशियल साइड होती है, ठीक है। और जहाँ पे दोनों रेज मिलती हैं उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। इसके बाद नेक्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये रेज को हम इसके आर्म से कहते हैं, इसके बाजू भी कहते हैं, इसके मिल से बनते हैं। उसके बाद इसके अंदर अपने जो सिम्बल्स याद रखने हैं वो कौन कौन सी हैं। ये वाला जो सिंबल होता है, ये हम डिग्री को शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसके ऊपर एक तरह एक स्लैश आ जाए तो वो हमारे पास मिनट्स को शो करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, और डबल स्लैश आ जाए तो वो हम सेकंड्स को शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सिंबल्स आपने याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट कि एंगल, एंगल आपको दिया गया हो तो आपने उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर शो किस तरह करवाना है, ठीक है। यानी मैं फॉर एग्जांपल, अब यानी 45 एक एंगल है, इसको आप पॉजिटिव का है, ये इसको शो करवाएं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, किस क्वाड्रेंट के अंदर पाया जाएगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि किस क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक एंगल होते हैं, ठीक है। वो मैं एक बार आपको रिपीट करवाता हूँ। वैसे तो 9th क्लास में पढ़ा है आपने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो जितने एंगल्स लेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव लेंगे आप, अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 0 से 90 तक सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, दूसरे में 90 से 180 तक आएंगे सारे के सारे, थर्ड वाले में 180 से 270 तक आएंगे, फोर्थ वाले में 270 से 360 तक आएंगे। पॉजिटिव लेने हैं अगर आपने तो आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे, अगर नेगेटिव लेने हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ टोटल जो एंगल होता है कोऑर्डिनेट में वो 360 होता है या 2 पाई के इक्वल। आपको पता है पाई जो होता है 180 के इक्वल होता है। 360 हमारे पास यानी सारे क्वाड्रेंट के अंदर अगर इसको हम सारे को मिलाएं जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है, उसको आप 2 पाई के इक्वल भी लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ से पाई निकालना हो तो क्या आएगा,
टू को ला के इधर डिवाइड कर दे 360 ओवर टू, तो यहाँ से पाई आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, पाई आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से दो फार्मूले बनते हैं जो हमने याद रखने हैं, वो कौन से हैं। अगर आपसे कहा जाए जो 1 डिग्री है इसको अगर आप रेडियन में चेंज करें तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 180 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1 इधर ही रहेगा। यानी अगर आपसे कहा जाए डिग्री में आपको एंगल दिया गया है उसको आप चेंज करें रेडियन के अंदर तो आप पाई ओवर 180 से उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए रेडियन से चेंज करें डिग्री के अंदर तो आपने क्या करना है उसको मल्टीप्लाई करवाना है 180 ओवर पाई के साथ। ये फॉर्मूले आपने दो याद रखने हैं, हमने क्वेश्चन के अंदर यूज़ करने हैं कि अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई ओवर 180 से करवाना है, अगर आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 ओवर पाई से करवाना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको मिनट्स डिग्री और सेकंड्स के फॉर्म में दे दिया जाए उसको कहा जाए डेसिमल फॉर्म में लेके आए तो आपने किस तरह लेके आना है उसको, उसकी एग्जांपल देख लें ज़रा क्लियर हो जाएगा वो चीज़ें। वो इस तरह है कि अगर आपके पास 25 डिग्री है और 30 मिनट्स है, ये दिया गया है और मेंशन किया जाए कि इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करें तो आपने किस तरह करवाना है। सिंपल आपने लिखना है इसको 25 डिग्री ऑलरेडी हमारे पास डिग्री की मौजूद में है इसकी फॉर्म में है, डेसिमल का ये फॉर्म है कि सारे सारे आप डिग्री की फॉर्म में लेके आ जाए चाहे वो पॉइंट में आए चाहे पॉइंट में ना आए, डेसिमल फॉर्म का ये मतलब है। 25 प्लस 30 मिनट्स आया तो आपको पता है एक घंटे के अंदर हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं 60 होते हैं, तो जब भी आपने मिनट्स को डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है आपने 60 से डिवाइड करवाना है। ये बात याद रखनी है कि जब भी आपने मिनट्स को डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है 60 से डिवाइड करवाना है, अगर आपने सेकंड्स को लेके जाना है तो आपने 3600 से आपने डिवाइड करवाना है उसको, ठीक है। दोनों को डिवाइड करवा लें, 25 प्लस 0 से 0 कैंसिल होगा 3/6 रह जाएगा इसको मजीद, ये सारा डिग्री की फॉर्म है यानी आप इसमें ऐड करते जाएंगे 25 डिग्री प्लस 3/6 को करेंगे तो 1/2 रह जाएगा, 1/2 कितना होता है 0.5, 25 प्लस 0.5 डिग्री आ जाएगा तो आंसर आएगा 25.5 डिग्री की फॉर्म में आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये है अगर आपके पास डिग्री की फॉर्म में दिया गया है उसको आपने डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको डेसिमल की फॉर्म में दिया जाए और कहा जाए आप डिग्री मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में चेंज करें तो आपने उसको किस तरह चेंज करना है वो देखिए ज़रा। यानी अगर आपको दे दिया जाए 32.25 ये डिग्री की फॉर्म में दिया गया है, आपने करना क्या है पॉइंट से पहले वाला यानी जो होल नंबर बन रहा है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 2.5 तो होल नंबर 2 बन रहा है, 2 को अलग कर लेना है और पॉइंट वाले पार्ट को आपने अलग कर लेना है, तो यहाँ से 32 अलग हो जाएगा प्लस 0.25 जो है वो अलग हो जाएगा, ये आपके पास पहला मिनट की फॉर्म में आएगा। अगर दोबारा फिर पॉइंट आ जाए तो अगला सेकंड की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसको पॉइंट खत्म करें आप तो नीचे 100 आ जाएगा, ये मिनट की फॉर्म में जा रहा है, ये डिग्री ऑलरेडी हमारे पास अलग हो गया है 32 डिग्री प्लस, इसको डिवाइड करें तो 1/4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है 32 डिग्री। तो एक बार याद रखनी है आपने जब भी डेसिमल से आपने जाना है डिग्री मिनट्स और सेकंड के फॉर्म में तो हमेशा 60 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे आप मिनट्स निकाल रहे हैं चाहे आप सेकंड निकाल रहे हैं उसको हमेशा 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 32 आ जाएगा, इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो इट मीन्स 32 डिग्री आया और 15 मिनट्स आ गया। अब देखें एक और बात, जहाँ आपने इसको सॉल्व किया है ना तुम्हारे पास पॉइंट खत्म हो गया होल नंबर की फॉर्म में आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन और आपने मिनट्स निकाल रही हैं दोबारा फिर आपके पास जो आंसर आ रहा है मिनट्स के साथ वो पॉइंट की फॉर्म में आ रहा है तो आपने दोबारा क्या करना है होल नंबर को अलग कर लेना है और जो पॉइंट वाला उसको अलग करके दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करना है वो सेकंड की फॉर्म में आ जाएगा। वो इस तरह मैं समझाया था आपको, जहां अगर आता 15.25 आ जाता तो आपने कहना था 15 को अलग कर लेना है क्योंकि ये हमारे पास बन गया है मिनट्स। अब जो अगला पॉइंट से अगले वाला पॉइंट पार्ट है उसको दोबारा सॉल्व करें दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा हमारे पास वो सेकंड की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यानी आपने तब तक उसको सॉल्व करना जब हमारे पास प्रॉपर होल नंबर की फॉर्म में आंसर नहीं आ जाता, जैसे यहाँ पहले ही आ गया होल नंबर के फॉर्म में हमने छोड़ दिया उसको सॉल्व नहीं किया, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं 7.1 जो है फॉर्मूला
फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, वो खुद ही आप लोगों ने प्रोटेक्टर लेके उसको ड्रा करवा दें, कहा गया कि हमें डिफरेंट एंगल्स दिए गए हैं, उनको आपने बताना है कि किस क्वाड्रेंट में कहाँ पे पाए जा रहे हैं वो, ठीक है। वो आप प्रोटेक्टर की मदद से करवा दें उसको, या जर्नल वैसे ही शो करवा दें फर्जी सा के यहाँ पे एंगल आ रहे हैं, जिसने मर्जी शो करवा दें उसको, आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है। सेकंड हमारे पास है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन डेसिमल, डेसिमल फॉर्म में उसको आपने चेंज करना है, यानी पॉइंट के फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें डिग्री, मिनट और सेकंड के फॉर्म में दिया गया है, तो सेकंड पार्ट करते हैं इसका हम, एक्सरसाइज 7.1 सेकंड का सेकंड पार्ट जो है वो है 60 degrees, 30 minutes, and 30 seconds। सिंपल क्या करना है आपने, 60 डिग्री आर आई डिग्री की मौजूद फॉर्म में मौजूद है, इसको इस तरह लिख लें, प्लस 30 मिनट है इसको आपने 60 से डिवाइड करना है, मैंने पहले बताया था आपको, 30 सेकंड है तो इसको आपने 3600 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। तो 60 प्लस इन दोनों को आप डिवाइड कर लें, यहाँ 1/2 रह जाएगा, यहाँ 0 0 कैंसिल होगा, तो 3/360 रह जाएगा। ये सारा आप डिग्री की फॉर्म में जाएं, 60 प्लस 0.5 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को आप डिवाइड कर लें, तो जो आंसर आएगा वो देखें ज़रा क्या आएगा, 3/360। तो इसमें आप ऐड कर दें, तमाम को इकट्ठे ही ऐड कर लें, 0.5 को भी ऐड कर लें, उसके बाद 60 को भी ऐड कर लें, तो टोटल जो आंसर बनेगा यहाँ पे, इन इसको अगर हम डिवाइड करें 3/360, ये तमाम इकट्ठा अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लें तो आंसर बनता है 60.5 डिग्री। आगे ज़ीरो लगाना है तो आप लगा दें, ये डेसिमल के फॉर्म में आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। डिग्री, मिनट और सेकंड के फॉर्म में था, डेसिमल के फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इस डेसिमल के फॉर्म में दिया गया है, उसको आपने इसके फॉर्म में लेके आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 उसका हम पार्ट कर लेते हैं, थर्ड वाले का थर्ड पार्ट है 225.75। तो मैंने अभी बताया था आपको किस तरह सॉल्व करना है आपने इसको, कि जो पॉइंट से पहले वाला होल नंबर है उसको अलग कर लें, तो 225 ये अलग हो जाएगा, प्लस 0.75 अलग हो जाएगा, 225 प्लस। इसको अगर आप चाहें डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई करवाना है तब भी आप करवा सकती हैं, अगर आपने पॉइंट खत्म करके 60 से मल्टीप्लाई करवाना है तब भी करवा सकते हैं, ठीक है। जिसमें मर्जी करवा लें इसको, हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 0.75 को मल्टीप्लाई करवाएं 60 के साथ, 45 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 225 ये हमारे पास डिग्री है, और 45 जो हमारे पास है ये मिनट्स है, ठीक है। ये साथ यानी इसको जब आपने मल्टीप्लाई करवाना है 60 के साथ, क्यों, क्योंकि हमारे पास पहला पॉइंट है होल नंबर की फॉर्म में, जब आपने मल्टीप्लाई करवाया सीधा हमारे पास 45 आएगा, तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, मिनट्स की फॉर्म में आ गया। अगर यहाँ 45 के साथ पॉइंट होता, 0.5, 0.25 होता, तो आपने 45 को अलग कर लेना था, आगे जो पॉइंट है उसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करवाना था, तो वो हमारे पास किसकी फॉर्म में आना था, सेकंड्स की फॉर्म में आना था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन टू रेडियंस, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिग्री की फॉर्म में दिए गए हैं, उनको आपने रेडियन की फॉर्म में चेंज करना है, तो वो देखिए कैसे करेंगे। अभी मैंने मेथड बताया था आपको कि डिग्री को जब आपने रेडियन में लेके जाना है तो किससे आपने मल्टीप्लाई करवाना है, पाई ओवर 180 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 315 है, इसको आप चेंज करें, 315 डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई करें पाई ओवर 180 के साथ, ठीक है। तो 3 पे अगर होता है तो 3 पे कर लें इसको, फिर जब करेंगे 3 पे 3 आएगा, इसके बाद 0, 3 5 15 आ जाएगा, पाई ओवर 180 हमारे पास 3 पे करेंगे तो 60 रह जाएगा, दोबारा देखिए 3 पे होता है हो जाएगा, 3 3 क्या आ जाएगा 9, 1 कैरी 15 बन जाएगा, 3 5 हो जाएगा, ये 3 पे करें तो 20 आ जाएगा, इसके बाद 35 पाई ओवर 2, दोबारा 5 पे करें 5 7 35 होता है, और 5 4 7 pi/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमने डिग्री को चेंज किया रेडियन के अंदर। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें आपने डिग्रीज में चेंज करना है, रेडियन के फॉर्म में हमें दिया गया है, तो वो देखिए किस तरह करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 का हम पार्ट नंबर का लेते हैं 4 वाला, 13 pi/16,
मैंने बताया था आपको, जब आपने डिग्री को लेके जाना है, रेडियन को लेके जाना है डिग्री के अंदर, तो 180 ओवर पाई से करना है। वो क्यों करना है मैं अभी आपको रीज़न यहाँ बता देता हूँ। 180 ओवर पाई, पाई स्पेस इसीलिए करना है ताकि पाई से पाई कैंसिल हो जाए, रेडियन से ख़त्म हो जाए, आप डिग्री की फॉर्म में आ जाए। नेक्स्ट इसको आप कर लें किसके साथ करना है, 28 हो जाएगा और 290, फिर 24 हो जाएगा और 245 हो जाएगा। तो 13 को आप 45 से मल्टीप्लाई करें ओवर 4, तो ये पॉइंट की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का आज का लेक्चर था 7.1 के अंदर, जिसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आपको, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, एंगल्स के बारे में, डिग्री मिनट सेकंड्स किस तरह आपने शो करवाना है उसके बारे में, डिग्री से मिनट में किस तरह चेंज करना है मिनट से डिग्री के अंदर, और 7.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। इनमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।